आशाएं नई हवाएं नए फलक में उड़ने को पर तो रहा है हिंदुस्तान बोल रहा है हिंदुस्तान बोल रहा है। अब दूरी रहे ना दूरी कोई बात रहे ना अधूरी अपनों की बातों की मिस्री नारे बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड पटियाला के जनरल मैनेजर टेलीकॉम श्री सुखबीर सिंह जी के मार्गदर्शन में और डीओ सेकेंडरी मैडम हरिंदर जी, प्रिंसिपल श्री सतीश कुमार जी के सहयोग के साथ एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका टॉपिक था स्मार्ट लर्निंग बाय यूजिंग बीएसएनएल भारत फाइबर। प्रतियोगिता का वेन्यू गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू पावर हाउस कॉलोनी पटियाला था और यहाँ के जो बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर बहुत ही उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने दिमाग से जो भी उनके दिमाग में इमेजिनेशन आई उसको उन्होंने बाखूबी पेपर के ऊपर उतारा। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बीएसएनएल ने जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो चाहे वो एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में हो, कम्युनिकेशन में तो है ही। कोविड के दौरान ऑफलाइन कक्षा जो लगाई गई, क्लासेस लगाई गई, उसमें भारत संचार निगम लिमिटेड के ब्रॉडबैंड और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ और बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो इसमें बीएसएनएल ने अपना हिस्सा और योगदान बखूबी दिया। अब दूरी रहे ना दूरी कोई बात रहे ना अधूरी अपनों की बातों की मिस्री कानों में घोल रहा है। बोल रहा है वो गांव बोल रहा है पर्वत बोल रहा है वो बेफिक्र दिल के दरवाजे खोल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही 19,123 स्कूल्स को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को चुना गया है, तो ये वाला जो स्कूल है वो भी इस सुविधा से लैस होगा और बच्चों के भविष्य को निखारने में अपना योगदान देगा। अब दूरी रहे ना दूरी कोई बात रहे ना अधूरी अपनों की बातों की मिस्री कानों में घोल रहा है। बोल रहा है वो गांव बोल रहा है पर्वत बोल रहा है वो बेफिक्र दिल के दरवाजे खोल रहा है। अब दूरी रहे ना दूरी कोई बात रहे ना
रहा है, पर्वत बोल रहा है, ओ बेफिक्र दिल के दरवाजे।